पूरा टक्कर का मुकाबला चल रहा है। थार आगे निकल गई, हरियाणा रोडवेज में भी बैठेंगे ना, वो तो वक्त बताएगा, जज्बात बताएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो आज हमारे साथ में अपनी ग्रैंड विटारा और थार। भाई देखो, दोनों गाड़ियों का ना ड्रैग रेस के मामले में कोई भी मैच नहीं है। मतलब ठीक है, मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो थार के ऑनर है ना, उनका कहना था कि भाई मेरे को करके देखनी है बार 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 बार, वो यही चाहते हैं कि मुझे थार से ग्रैंड विटारा को हराना है। भाई ठीक है, कर लेते हैं उनकी खुशी के लिए। अगर जीत गई तो चलो वो खुश हो जाएंगे, और अगर हार गई तो उनको तसल्ली तो हो जाएगी, उन्होंने ड्रैग रेस कर लिया कम से कम, तो जो होएगा देखा जाएगा भाई। हाँ बाकी ये बात है, दूर दूर तक दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। पावर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो इसमें आपको 101 bhp की पावर एंड 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, एंड इसमें आपको 130 bhp की पावर एंड 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। पावर में भी कोई भी कंपैरिजन नहीं है। बाकी जो विजेता होएगा वो तो आपको पता चल ही जाएगा। इसमें आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, पेट्रोल इंजन है, और इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। डायमेंशन वाइज अगर देखा जाए तो ग्रैंड विटारा की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, और हाइट थार की ज़्यादा है, वो तो बट ऑब्वियस है, दिख ही रहा है आपको। एरोडायनेमिकली देखा जाए तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो एक बॉक्सी से डिजाइन के साथ में आती है, इसमें थोड़े से शार्प कट्स आपको मिल जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर है। देखते हैं होता क्या है। अभी ऑनर हमें कुछ कह रहे थे जहाँ से शुरू खत्म हुआ, बताना क्या कह रहे थे आप। इसका टॉर्क खत्म होता है ना 136 पे, इसकी पावर स्टार्ट होती है। अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं अब कौन जीतता है भाई। वो तो वक्त बताएगा, जज्बात बताएंगे, लेकिन ये है कि जस्ट फॉर फन कर रहे हैं। मतलब मेरे था कि एक बार ग्रैंड विटारा के साथ करनी है। नहीं फन नहीं, ईगो पे बात आ गई है तो वही थार से हराऊंगा ग्रैंड विटारा को। चलो देखते हैं, हम भी खींचे ना। ठीक है, अब थार में वेट ज्यादा है तो हम ग्रैंड विटारा में दो लोग बैठ जाते हैं। अच्छा, एसी ऑन या बंद? एसी ऑफ करते हैं। ठीक है, ट्रैक्शन ऑफ है। ओके, और कोई मोड आता नहीं है थार में, ना उसमें आता है। ठीक है, करते हैं ड्रैग स्टार्ट। ओके, कर दो भाई। तीसरे हॉर्न पे, हॉर्न की वो क्या बोलते हैं, छूट, एडवांटेज दे दिया। यहाँ पे एसी ऑफ है, ट्रैक्शन भी ऑफ है, अब हॉर्न हम प्रेस कर रहे हैं और बस स्टार्ट करते हैं। यार पहले वाली जो वीडियो है सिनेमैटिक मोड पे शूट हो गई थी, तो अब दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पे एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, और मोड्स तो दोनों ही गाड़ियों में कोई आते नहीं है, तो मोड तो डालना नहीं है, बस गाड़ी को भगाना है और क्या, और हॉर्न प्रेस करने की एडवांटेज हमारे पास है। राउंड वन गो। थार अभी तक पीछे है और ग्रैंड विटारा आगे है। थार आगे निकल गई, ग्रैंड विटारा आगे निकल गई, पूरा टक्कर का मुकाबला चल रहा है। थार आगे निकल गई और ग्रैंड विटारा आगे निकल गई, आगे निकल गई भाई, थार पीछे है। एंड यहाँ स्पीड देख लो, 120 की स्पीड है और थार पीछे है 130, और अब जैसे स्पीड इंक्रीज होएगी फिर थार आगे निकल सकती है। 140 तक भी ग्रैंड विटारा आगे है, थार पीछे है, थार नजर वो रही थार। और यहाँ फर्स्ट राउंड में ग्रैंड विटारा क्लियर जीत गई 130-140 तक भी। हाँ भाई आ गया स्वाद, 140 तक भी आगे थी। 120 से हमने 220 प्लस की एडवांटेज भी दे दी फिर भी। चलो हाँ चलो कोई नहीं, अभी हम सेकंड राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। फिर से हम ही हॉर्न प्रेस कर रहे हैं और यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए हैं, फिर भी हमारी ग्रैंड विटारा जीत गई और थार हार गई। चलो दूसरे वाला राउंड स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताती हूँ जिसका नाम है वन विन। यहाँ पे आप गेम्स खेल के पैसे जीत सकते हो। यहाँ पे मेरा फेवरेट गेम है लकी जेट। अभी ना मैंने यहाँ पे 5,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, अब हम हमारा फेवरेट गेम लकी जेट खेलते हैं। और यार यहाँ पे ये गेम स्टार्ट हो गया है, ये देखो अपना जेट ऊपर जा रहा है और मैंने यहाँ जीत लिए हैं 7720 रुपीज, और ये अभी भी ऊपर जा रहा है, और मैंने अगेन यहाँ पे 8,880 रुपीज जीत लिए हैं। अब ये जीती हुई अमाउंट विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ करने के लिए ना लॉगिन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लॉगिन करने के बाद बस आपको विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिल जाते हैं पैसे ट्रांसफर करने के लिए, जैसे यूपीआई हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कुछ भी चूज कर सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस। मैं यार यूपीआई यूज करती हूँ, बाकी एज पर योर प्रेफरेंस आपको जो अच्छा लगता है आप ट्रांसफर कर सकते हो उस मेथड से। वन विन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर मेरे दिए गए लिंक से आप जाके वन विन पे रजिस्टर करते हो और मेरा कूपन कोड गैरेज 600 यूज करते हो तो फर्स्ट डिपॉजिट पे आपको 25,000 रुपए मिलेंगे वन विन की तरफ से। और हाँ, डिपॉजिट के लिए ना पेटीएम मेथड यूज करो जो सबसे फास्टेस्ट है और बेस्ट भी है। राउंड टू। यहाँ पे फिर से हम इसको रेव कर रहे हैं, एक दो तीन गो। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा व्हील स्पिन अभी। ओके, थार पीछे है, अभी तक पीछे है भाई। ग्रैंड विटारा अभी तक आगे चल रही है, अभी भी आगे चल रही है। थार थोड़ी ही पीछे है, मतलब बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है फिलहाल तक तो, बट अब नज़र नहीं आ रही है, अब पीछे चली गई है काफ़ी। एंड द स्पीड इज 130 पहुँचने वाली है और थार अभी भी पीछे है। ये लो भाई, मुझे लग रहा है सेकेंड राउंड भी हम जीत ही चुके हैं, तो ठीक है 140 तक भी जीत गए हम।
लो भाई 140 तक हम फिर से जीत चुके हैं। हमने जैसा कहा था हमने सब कर लिया। अब देख लो कहीं हम दो बंदर के साथ जीत गए। अब एसी ऑन कर देते हैं फिर आप शायद जीत जाओ। भाई इसका वेट भी तो कम है। तुम कह रहे थे ना जीतने की, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। कुछ और वो वेट अ मिनट के बाद कुछ लगा देना जरा, स्टार्टिंग में जो इन्होंने बोला था वेट अ मिनट। वापस का टॉर्क खत्म होता है ना 136 पे, वापस की पावर स्टार्ट होती है। लास्ट राउंड करते हैं। एसी ऑन करना है? एसी ऑन करते हैं। आप ऑन कर रहे हो या ऑफ ही छोड़ रहे हो? मैं भी कर ही लेता हूं। देख लो आपको ऑफ करना है तो एसी कर ही लेता हूं। सो यहाँ पे हमने कर लिया है एसी ऑन, ट्रैक्शन ऑफ है और बस इसको रेव करेंगे और स्टार्ट करेंगे। एसी उनका भी ऑन है और ट्रैक्शन उनका भी ऑफ है। तो ये थर्ड और लास्ट राउंड है मेरे हिसाब से, देखते हैं कौन जीतता है एसी ऑन में। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है राउंड थ्री। राउंड थ्री ये कर लिया रेव एंड 1 2 3 गो। थर पीछे भाई, एसी ऑन है दोनों ही गाड़ियों का और थार पीछे है, पीछे है, पीछे है। ये रही थार, अभी भी ग्रैंड विटार आगे है। थार थोड़ी आगे निकलने का स्कोप लग रहा है बट निकलेगी नहीं, मुझे पता है, अभी भी पीछे है। एंड यहाँ पे स्पीड पहुंच चुकी है 120 की एंड थार अभी भी पीछे है। ये देख लो भाई, थार काफी ज्यादा पीछे और थर्ड राउंड भी हम जीत चुके हैं। चलो एक बार ऐसा करते हैं, हम लोग ड्राइवर चेंज करके देख लेते हैं लास्ट राउंड में, क्या पता फिर कोई गाड़ी जीत जाए, मतलब फिर थार जीत जाए। यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी चेंज करके आ गए हैं थार में और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। राउंड फोर पता नहीं कौन जीतेगा क्योंकि नहीं, ग्रैंड विटारा निकल गई लड़ाई लग रहा था कि हरियाणा रोडवेज में भी बैठेंगे ना तो भी इतना शोर नहीं आएगा। फट फट क्या कर सकते हो, तो कन्वर्टेबल उतना ज्यादा गैप नहीं बना रही थी जो हिसाब का जो आप सोच रहे हैं। हमने कुछ बोला ही नहीं यार, यार मैं ये हमने तो कुछ बोला ही नहीं, बराबर चल रही थी भाई। वीडियो में सबूत है आपके में भी और मेरे में भी, भाई देख लेना। वेट अ मिनट, तो ठीक है 140 तक भी जीत गए हम। ठीक है हमने तो बोला ही नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, हमने तो बोला ही नहीं। जब तो रिजल्ट दिख गया तब बोल रहे हो। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, थार ना कहीं बिल्कुल गाड़ी के पीछे ही चल रही थी यार। थार टोरे वाली गाड़ी है यार, एकदम मस्ती से लेके घूमो, ऑफ रोडिंग करो। ये कोई रेस लगाने वाली, वैसे रेस लगाने वाली तो ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ऐसी मस्ती है हमारी। तो यार कोई सी भी गाड़ी नहीं है, बस ऐसे ही। तो भाई 3 नहीं 4 राउंड्स थे जिसमें से एक में ड्राइवर चेंज हुआ। देखो जीती तो अपनी ग्रैंड विटारा है लेकिन दोनों गाड़ियों से अगर मुझे चूज करना होगा तो मैं थार चूज करूंगी। थार प्यार है, थार इमोशन है, एक अलग ही गाड़ी है यार। इसको लेके निकलो, इसका अलग ही टोरा है, मतलब जो भी देखता है ना बंदा खुशी सी हो जाती है थार को देख के। तो जो भी हो, हारी हो चाहे जो मर्जी हो, मेरे को थार बहुत ज्यादा पसंद है। अब ऐसा नहीं है ग्रैंड विटारा नहीं पसंद, बट ज्यादा मुझे ये अच्छी लगती है। बाकी एक बार हम ऑनर से पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। देखो हमने आपकी तसल्ली के लिए ट्रैक रेस कर ली, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। हार के जीत के, तो हार जीत तो होती रहती है, बस ये था कि ड्रैग रेस करनी है, कर ली। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज की ये ड्रैग रेस आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।